अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेजिटेबल मटका बिरयानी। तो टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां हमने ऑयल ले लिया है और इसमें एक बड़े साइज का प्याज डाल दिया है। तो इसे करेंगे लाइट ब्राउन। यहां हमने राइस को बॉईल कर लिया है सिंपल, इसमें सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं, और इन्हें एक साइड पर रख दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। प्याज को बस इतना ही हमें ब्राउन करना है। इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, 2 दरमियाने साइज की हमने गाजर ली थी। गाजर को काफी टाइम लगता है इसलिए मैंने इसके साथ ही डाल दी ताकि टमाटर के साथ साथ गाजर भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे कर देते हैं कवर। अब इसमें बाकी सब्जी ऐड करते हैं। तो 2 दरमियाने साइज के आलू इसमें कट करके डाल दिए हैं और अब डालते हैं इसमें मसाले। इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। तमाम साबुत गरम मसाले को रोस्ट करके फिर ग्राइंड किया हुआ है तो वो डाल दिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून जीरा, आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसे कर देते हैं कवर। अब इसमें डाल देते हैं मटर। मटर को हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर से इन्हें दम पे रख देंगे। सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो अब मैं इसमें ये प्लम डाल रही हूँ, आलू बुखारा, जो गर्म पानी में मैंने डिप किया था ताकि जल्दी से हल हो जाए। बस अब इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। सब्जी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आलू बुखारा भी काफी सॉफ्ट है, बस इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ फ्लेम को करते हैं ऑफ, ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो मटका टाइप हंडिया तो नहीं थी हमारे पास, ये वाली थी, तो हमने ये, तो 1/2 बॉइल्ड राइस हमने इसमें डाल दिए हैं और अब डालेंगे हम अपने वेजिटेबल्स। तमाम वेजिटेबल्स की लेयर लग जाएगी इस पे। इसमें वेजिटेबल की लेयर लगा दी है, अब दोबारा से इस पे राइस की लेयर लगाते हैं। इसी तरह इस पे लेयर लगा देंगे राइस की। और अब इस पे डाल रहे हैं कलर। अब जाफरान डालना चाहते हैं तो आप जाफरान भी डाल सकते हैं, मेरे पास कलर है तो मैंने कलर ऐड कर दिया। और अब टमाटर लगा देंगे, अब लेमन लगा देंगे, हरी मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पुदीना। अब इस पे लगाएंगे फॉइल। तो ऐसे इस पे सारी हमने फॉइल कवर कर दी है। तो ऐसे मैंने इसमें कोयले जलाकर रख दिए और फिर इस पर हमने अपनी हंडिया रखी और फिर इसके ऊपर हमने कोयले रख दिए। तो जबरदस्त सा दम लग चुका है, तो इसे करते हैं अभी डिश आउट। जी फ्रेंड, तो मज़ेदार सी वेजिटेबल बिरयानी हमारी रेडी है, देखिए झटपट तैयार हो गई।
ज़रूर बनाइएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त कुछ कहते हुए। लफ्ज़ों में कहाँ आती है कैफियत दिल की, लफ्ज़ों में कहाँ आती है कैफियत दिल की, महसूस जो होता है बयां नहीं होता। तो इसके साथ ही साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।